नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रियलमी 5 प्रो मोबाइल को लेकर बहुत सी लीक्स डिटेल सामने आ रही है और इस मोबाइल के कुछ फीचर्स भी लीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, लगभग इस मोबाइल की सभी स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुकी है और यह मोबाइल आने वाले 20 अगस्त को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके साथ ही इस मोबाइल का डाउनग्रेड वर्जन रियलमी 5 मोबाइल भी लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन होगी। रियलमी 5 प्रो मोबाइल की कीमत 15,000 रुपए से कम होगी, जबकि रियलमी 5 मोबाइल की कीमत कंपनी 10,000 रुपए के आसपास रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब इसी मोबाइल को कड़ी टक्कर देने के लिए Xiaomi कंपनी अपने नए स्मार्टफोन Redmi Note 8 Pro को मार्केट में लेकर आ रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी सामने आई थी कि Xiaomi कंपनी अपने Redmi Note 8 Pro मोबाइल के ऊपर काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब इस मोबाइल की एक लीक्स डिटेल सामने आई है और इस मोबाइल की दूसरी कई स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन मार्केट में आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे और ये दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त मोबाइल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और इनके फीचर आदि को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा, आपको इनमें से कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, किस मोबाइल के लिए आपको वेट करना चाहिए और इनकी कीमत के अंदर कितना डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन मोबाइलों के फ्रंट पैनल की, तो दोस्तों वैसे तो Redmi Note 8 मोबाइल का फ्रंट पैनल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको वाटर प्रूफ नोज डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जिस तरह से आपको Redmi Note 7 Pro मोबाइल के अंदर दी गई थी। दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 होगा। वही अगर दोस्तों Realme 5 Pro मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल की लीक्स डिटेल के मुताबिक इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 6.53 इंच की फुल HD वाटर प्रूफ नोज डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 होगा। तो दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको लगभग एक ही साइज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोबाइलों के वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 8 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 6 GB और 8 GB रैम का वेरियंट दे सकती है, जिसके अंदर आपको 64 GB, 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जा सकता है। वहीं अगर दोस्तों Realme 5 Pro मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल को कंपनी 4 GB और 6 GB रैम के साथ लॉन्च करेगी, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको दो दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro मोबाइल के अंदर शायद 12 GB रैम का वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कंफर्म जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 8 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल की एक पिक्चर्स लीक हुई है, जिसके अनुसार इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको Realme X मोबाइल के अंदर दिया गया था। तो दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको 64 MP, 16 MP और 8 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर दोस्तों Realme 5 Pro मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 MP, 16 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP या 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर इन मोबाइलों के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों ही मोबाइल लगभग सेम रहेंगे, लेकिन दोस्तों Redmi Note 8 Pro मोबाइल के अंदर आपको 64 MP का रियर कैमरा जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी इसकी कंफर्म जानकारी के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 8 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आप MediaTek का लेटेस्ट चिपसेट दे सकती है। इस मोबाइल के अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ MediaTek Helio G90T या MediaTek Helio P90 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होगा और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 बाय के पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए Realme 5 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट देगी और यह मोबाइल भी 109 पाई के पर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 616 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 8 Pro आगे रहने वाला है। इसके अंदर आपको MediaTek का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा और यह MediaTek का लेटेस्ट चिपसेट भी है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 8 Pro मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4000 mAh की बैटरी दे सकती है। और वहीं अगर दोस्तों Realme 5 Pro मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 5000 mAh की वूक फास्ट चार्जिंग 3.0 सपोर्ट वाली बैटरी देगी, जो कि 30 मिनट में लगभग 55% से भी ज्यादा चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर बैटरी के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों बैटरी के मामले में Realme 5 Pro आगे रहने वाला है। इसके अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल बैटरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों Redmi Note 8 Pro मोबाइल के अंदर आपको कितनी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन मोबाइलों की कीमत के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Redmi Note 8 Pro मोबाइल की कीमत की, तो दोस्तों लीक्स डिटेल के मुताबिक इस मोबाइल की कीमत लगभग 20,000 रुपए के आसपास होगी, जबकि Realme 5 Pro मोबाइल की कीमत लगभग 15,000 रुपए के आसपास होगी। तो दोस्तों यदि आप इनमें से किसी एक मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया स्मार्टफोन होंगे, इनके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो दोस्तों आप Redmi Note 8 Pro मोबाइल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह दुनिया का पहला 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा मोबाइल पसंद आया और आपके अनुसार इन स्मार्टफोन की कीमत कितनी होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप